तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन कैप्टन टियांग को उसकी बीमारी के बारे में बताता है, साथ ही साथ वह उसका इलाज भी बताता है। और अब उस जगह पर क्विंचन की बातें सुनकर कैप्टन टियांग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, जिसके बाद वह उस प्रिजन के अंदर क्विंचन के सुख सुविधाओं की पूरी तैयारी कर देता है और उससे बोलता है कि जब तक वह इस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर क्विंचन को कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब क्विंचन कैप्टन टियांग को एक मेडिसिन पीने के लिए देता है, जिसे पीकर कैप्टन टियांग को काफी अच्छा फील होता है। अब हमें ब्लड लाइन होली पवेलियन के बाहर एक पर्सन को काफी परेशान खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद वह रूम के अंदर जाते हुए ब्लड लाइन पवेलियन के प्रेसिडेंट से बोलता है कि आपसे इस जगह पर पिल पवेलियन के एल्डर सुबो मिलने के लिए आए हैं। जो सुनते ही ब्लड लाइन पवेलियन का प्रेसिडेंट बोलता है, उसे वापस भेज दो, मैं अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहता हूँ। तभी वह पर्सन बोलता है वह पिल पवेलियन का वाइज मास्टर है और उसे इस जगह पर पवेलियन मास्टर जुओ क्वेनफेंग ने खुद भेजा है। अब यह सुनकर वह एल्डर सुबो से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद एल्डर सुबो और हेनू दोनों ही ब्लड लाइन पवेलियन मास्टर के सामने जाते हैं। अब एल्डर सुबो प्रेसिडेंट नांग गोंग ली को ग्रीट करता हुआ बोलता है कि वह इस जगह पर एक काफी इम्पोर्टेंट मैटर पर कुछ डिस्कस करने के लिए आए हैं। तभी गोंग ली बोलता है, जल्दी बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी हेनू आगे बढ़ता हुआ बोलता है, मैं इस जगह पर अपने यंग मास्टर का एक लेटर लेकर आपके पास आया हूँ। तभी गोंगली गुस्से में बोलता है, आखिर कौन है तुम्हारा यंग मास्टर और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वह अपने सोल्जर्स से उन दोनों को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। यह सुनते ही एल्डर सुबो उससे माफी मांगने लगते हैं, पर हेनू उन्हें रोक देता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट गोंगली, आप अगर लेटर के बारे में भूल जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, भूल जाइए। पर आज मुझे यह बात समझ में आ गई कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी आप अभी बस 6th लेवल के ही ब्लड लाइन मास्टर क्यों बने हुए हैं, और मैं यह भी समझ गया हूँ कि आप कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वह एल्डर सुबो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी गोंगली उसे रोकता हुआ बोलता है, अभी तुमने क्या कहा, साफ साफ कहो। तभी हेनू बोलता है, गोंगली तुम बस एक ऑर्डिनरी ब्लड लाइन मास्टर हो जो बियानजाओ होली लैंड से आए हो, और 20 साल की उम्र में तुम एक ब्लड लाइन मास्टर से मिले जिन्होंने तुम्हें यह सब कुछ सिखाया, पर फिर उस ब्लड लाइन मास्टर ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, पर फिर भी तुमने उस ब्लड लाइन मास्टर से काफी कुछ सीख लिया था, जिसके बलबूते पर तुमने इस ब्लड लाइन होली लैंड को बनाया और इम्पीरियल सिटी के पावरफुल लोगों में से एक हो। यह सुनते ही गोंगली गुस्से में बोलता है, तुमने इस जगह पर मेरे बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की है, सच सच बताओ आखिर तुम दोनों इस जगह पर क्या चाहते हो, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेनू बोलता है, हम बस इस जगह पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं, तो बस आपको यह लेटर पढ़ना होगा। अब गोंगली उस लेटर को पढ़ता है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लेटर के अंदर एक काफी रेयर ब्लड लाइन टेक्निक लिखी होती है। और अब वह उन दोनों के पास भागता हुआ जाता है और उनसे बोलने लगता है कि आखिर कौन है तुम्हारे यंग मास्टर और वह अभी कहाँ पर है। हेनू बोलता है, तो क्या गोंगली अब तुम हमें मारना नहीं चाहते हो। यह सुनते ही गोंगली उन दोनों से माफी मांगने लगता है और उन दोनों को VIP रूम में चलने के लिए बोलता है। हेनू बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इस जगह पर बस हमारे यंग मास्टर तुम्हारी मदद करना चाहते थे, जो तुम उस लेटर में देख ही सकते हो, और मास्टर यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए खुद ही आने वाले थे। यह सुनते ही गोंगली बोलता है, मुझे बताओ तुम्हारे यंग मास्टर कहाँ पर है, मैं खुद उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। हेनू बोलता है, हमारे मास्टर यहाँ आने के लिए ही निकले थे, पर रास्ते में ही सिटी गार्ड डिवीजन के लोगों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। यह सुनकर गोंगली को सिटी डिवीजन गार्ड पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह हेनू से पूछता है कि जल्दी से तुम यंग मास्टर का नाम बताओ, मैं यहाँ से किसी को भेजकर यंग मास्टर को अभी आजाद करवाता हूँ। अब हेनू गोंगली को क्विंचन का नाम बताते हुए बोलता है कि आप पहले से ही उन्हें जानते हो, डोंगफेंग क्विन ने यंग मास्टर के बारे में आपसे बात किया होगा। और यह बोलकर हेनू एल्डर सुबो को लेकर वहां से चला जाता है। तभी गोंगली अपने साथी से बोलकर डोंगफेंग क्विन को उस जगह पर बुलाता है और उससे क्विंचन के बारे में पूरी जानकारी लेता है। वहीं वह उसके मुंह से क्विंचन की तारीफें सुनकर थक नहीं रहा होता है।
जिसके बाद वह अपने साथी को जल्दी से गार्ड डिवीजन के पास भेजकर क्विंचैन को आजाद करके लाने को बोलता है। दूसरी ओर हेनू एल्डर शुबो के साथ जाकर लॉर्ड श्रेन को भी एक लेटर देता है और उस लेटर में लिखी गई टेक्निक को देखकर लॉर्ड श्रेन भी काफी हैरान होते हैं। साथ ही साथ हेनू उन्हें क्विंचैन द्वारा बनाई गई एक स्वॉर्ड भी देता है, जिस स्वॉर्ड को देखते ही लॉर्ड श्रेन के होश उड़ जाते हैं और अब वह हेनू से क्विंचैन के बारे में पूछने लगता है। तभी हेनू दोबारा से वही कहानी सुनाते हुए बोलता है कि हमारे यंग मास्टर आपसे मिलने के लिए आ ही रहे थे, तभी रास्ते में गार्ड डिवीजन के लोगों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। यह सुनकर लॉर्ड श्रेन हेनू से सब कुछ डिटेल में पूछता है। अब हेनू उसे सब कुछ बता देता है। अब सब कुछ जानने के बाद लॉर्ड श्रेन गुस्से में बोलता है, लैंग फैमिली इस जगह पर काफी ज्यादा एरोगेंट होती जा रही है, और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को अरेस्ट करवाने की। और अब वह बोलता है कि आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही यंग मास्टर क्विंचैन को आजाद करवाऊंगा। जो सुनकर हेनू लॉर्ड श्रेन को थैंक्स करते हुए बोलता है कि आप यह स्वॉर्ड यंग मास्टर की ओर से गिफ्ट के रूप में रख सकते हो, और अब वह वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सावया पिल पवेलियन मास्टर जुओ क्विनफेंग को क्विंचैन के साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में बता रही होती है, जो सुनकर जुओ क्विनफेंग को काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलता है, आखिर उस वक्त एल्डर शुबो कर क्या रहा था, उसने मास्टर क्विंचैन को अरेस्ट कैसे हो जाने दिया। और अब वह सावया को एक टोकन देता हुआ बोलता है, जल्दी से जाकर मास्टर क्विंचैन को आजाद करवा कर लाओ। दूसरी ओर हमें कमांडर गांग को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि क्विंचैन प्रिजन के अंदर एस मौत से रह रहा है, जो जानकर वह ब्लैक प्रिजन में मौजूद सोल्जर्स को मारने लगता है और उनसे पूछता है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। तभी कैप्टन टियान बीच में आते हुए कमांडर गांग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ब्लैक प्रिजन के अंदर सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है, तो मैं यहाँ के प्रिजनर को जैसे चाहूँ वैसे रख सकता हूँ। यह सुनकर कमांडर वांग बोलता है, ओ हाँ मैं यह भूल गया था, तुम यह कर सकते हो, कोई बात नहीं। और अब वह अपने सोल्जर्स से क्विंचैन को ब्लैक प्रिजन से बाहर निकालने के लिए बोलता है, पर कैप्टन टियान उसके सोल्जर्स को रोक देते हैं और बोलते हैं कि ब्लैक प्रिजन के अंदर तो आप लोगों को भेज सकते हो, पर मेरे बिना परमिशन के आप किसी को भी ब्लैक प्रिजन से बाहर नहीं ले जा सकते हो। यह सुनते ही कमांडर गांग गुस्से में बोलता है, तो ठीक है मैं जल्द ही वापस आऊंगा, जिसके बाद मैं तुमसे तुम्हारा यह पोजीशन भी छीन लूंगा और क्विंचैन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। वहीं ब्लैक प्रिजन के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, जो देखकर कैप्टन टियान बोलते हैं, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह बात तुम लोगों पर नहीं आएगी, और अगर कोई तुमसे पूछे तो उससे कह देना कि हमें यह करने का ऑर्डर कैप्टन टियान ने दिया था। यह सुनकर क्विंचैन कैप्टन टियान की तारीफ करने लगता है। तभी कैप्टन टियान बोलता है, मुझे इस जगह के सभी लॉज पता है जिनका यूज करते हुए मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर इस जगह पर हमें सबसे ज्यादा खतरा थर्ड प्रिंस से है, क्योंकि वह अपनी पावर का यूज करते हुए कभी भी बाजी पलट सकते हैं। अब क्विंचैन कैप्टन टियान से थर्ड प्रिंस के बारे में पूछता है, जिस पर कैप्टन टियान उसे बताते हैं कि थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा पावरफुल है और इंपीरियल सिटी के अगले किंग बनने का उत्तराधिकारी भी। तभी क्विंचैन बोलता है, इस थर्ड प्रिंस ने मुझे इस जगह पर काफी परेशान किया है, तो इसका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। अब हमें कमांडर गांग को उसके कमरे में दिखाया जाता है, जो गुस्से में बोल रहा होता है कि उसने अभी थर्ड प्रिंस के पास लेटर लिखा है और थर्ड प्रिंस तुरंत कैप्टन टियान को उसके पोजीशन से हटा देंगे, जिसके बाद इस जगह पर क्विंचैन को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी एक पर्सन कमरे के अंदर आता है और कमांडर गांग को बताता है कि पिल पवेलियन से सावया पिल पवेलियन मास्टर के ऑर्डर पर इस जगह क्विंचैन को छुड़ाने के लिए आई है। अब गांग उस टोकन को देखता है, जिसके बाद वह उसे फेंकते हुए बोलता है कि हम क्विंचैन को आजाद नहीं करेंगे, उससे जाकर बोल दो कि क्विंचैन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो वह लोग उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर वह सोल्जर वहां से चला जाता है। वहीं कमांडर गांग सोच रहा होता है कि पिल पवेलियन लैंग फैमिली के 50% पावर का भी सामना नहीं कर सकता है, तो वह इस जगह से क्विंचैन को कभी नहीं छुड़ा पाएगा। तभी एक और सोल्जर भागता हुआ अंदर आता है और उससे बोलता है कि टूल रिफाइनिंग हॉल से भी एक पर्सन क्विंचैन को छुड़ाने के लिए आया है,
जो सुनकर गांग थोड़ा परेशान हो जाता है, पर वह उस सोल्जर से बोलता है कि उससे जाकर बोल दो कि वह लोग क्वेंचैन को नहीं छोड़ेंगे। अभी काफी तेजी में एक और सोल्जर अंदर भागता हुआ आता है और गांग से बोलता है कि ब्लड लाइन होली लैंड से भी एक पर्सन क्वेंचैन को छुड़ाने के लिए आया है। जो सुनकर गांग परेशान हो जाता है और बोलता है कि उससे जाकर बोल दो कि मैं इस जगह पर मौजूद नहीं हूँ, तो मैं अभी उससे नहीं मिल सकता हूँ। तभी ब्लडलाइन पवेलियन का वह पर्सन सभी सोल्जर्स को धक्का मारते हुए अंदर घुस जाता है और बोलता है, गांग तुम इस जगह पर अपने आप को शायद से काफी पावरफुल समझने लगे हो, जो तुमने मुझसे मिलने से मना कर दिया। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।